नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो लेके आ गया हूं मैं। दोस्तों, आपकी हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, फिर आपके सीईटी, एलडीसी, हॉस्टल वार्डन, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जितने भी तमाम एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान में, उन सारे के सारे एग्जामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं पार्ट वन जो है डाल चुका हूं। पार्ट वन आप लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख लेना, वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और मैं आशा करता हूं कि मैं जो 600 क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, यानी कि आपके पूरे में से पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले। फर्स्ट पार्ट में 150 क्वेश्चन किए थे अपन ने, 1 से 150 नंबर तक। अब अपन करेंगे 151 से मतलब 300 नंबर तक, यानी कि 150 क्वेश्चन आज करने वाले। इस प्रकार अपने 300 क्वेश्चन हो जाएंगे दो पार्ट में, दो पार्ट और आएंगे, उनमें आपकी पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी मित्रों। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के, और आप तुरंत आंसर देते रहिए। महिला और बाल विकास वाला जो योजना है, परियोजना है, वो भी मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। बस आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो कृपया करके। चलिए शुरू करते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तुरंत आंसर देते रहिएगा आप लोग, फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। जवाब आप लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है, दलजीत सिंह चौधरी को। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया है? दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, बार बार में आ सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस जो प्रतिमा है ये किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। कहां स्थापित किया गया है, कहां पर? जल्दी से जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्या होगा जवाब? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, बताइए फटाफट इसका जवाब भी। तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु इसका जवाब होगा आप सभी का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की पारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा, दोस्तों पारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए घोषणा की गई है। और यह कौन सी भाषा हो जाएगी दोस्तों? पारसी 8वीं भाषा हो जाएगी शास्त्रीय, कौन सी नंबर की? 8वें नंबर की। देखो दोस्तों, हमारे राजस्थान की भाषा को तो ये शामिल नहीं कर रहे हैं, और देखो ये जो कौन करके आए ये दोस्तों, विदेश मंत्री SJ, इन्होंने जाकर के वहां घोषणा की थी। चलिएगा दोस्तों, ये घूमने गए हुए थे। जवाब हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा? भाषा का दर्जा देने की घोषणा की थी किस देश की पारसी भाषा को? तो ईरान की को। किसको? ईरान की को। किसने? SJ जो विदेश मंत्री है उन्होंने। और 8वीं हो जाएगी ये। अगला प्रश्न, किस राज्य में कानूमा त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में कानूमा त्यौहार मनाया जाता है? कानूमा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। किस राज्य में कानूमा त्यौहार मनाया जाता है? तो तेलंगाना में कानूमा त्यौहार मनाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। क्यों? क्योंकि 2024 से लेकर के और आपके एग्जाम होगी उस दिन तक के, मतलब आप मान लीजिए मई तक का सारा मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जनवरी से मई तक की पूरी करंट अफेयर्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, लेटेस्ट आपको मिलने वाला है आंकड़ा, तो ये याद कर लेना ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, दिल्ली हवाई अड्डे ने। किसने? दिल्ली हवाई अड्डे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र यानी कि इंडिया इन्वेंशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत के पहले ग्राफीन केंद्र, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया है, बताइए फटाफट। सभी विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए केरल में। कहां पर? केरल इसका राइट आंसर होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जवाब होगा कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। अगला प्रश्न आपके लिए, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, जिसमें मैं स्टार लगा लेता हूं वो तो रट लेना, और जिसे स्टार नहीं लगा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, याद तो करना उनको भी, क्योंकि 600 क्वेश्चन है, एक बार दो बार वीडियो देखोगे ना पूरा याद हो जाएगा, याद नहीं होगा तो भी सरसरी नजरों में आ जाएगा और क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आने वाला है। श्रीजा अकुला, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? श्रीजा अकुला। कौन है? श्रीजा अकुला है भाई। अगला ये रहा क्वेश्चन है दोस्तों, अब बड़े गजब गजब के सारे सारे। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनवाई गई है? कब उद्घाटन हुआ था वहां पर? 22 जनवरी 2024 को। दोस्तों किसने बनाई थी दोस्तों अयोध्या में जो मूर्ति बनाई है? वह अरुण राज जो है योगी के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण योगी राज के द्वारा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? असम राज्य के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? जवाब होगा रंजन गोगोई को। किसको? रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कौन सा राज्य था? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था भाई? तो जवाब होगा गुजरात। 15 ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 15वें ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया बताओ? अंडर 19 की बात कर रहा हूं मैं, किस देश में किया गया? साउथ अफ्रीका में। किसमें? साउथ अफ्रीका में। 19 जनवरी को कोक बोराक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? कौन सी? कोक बोरोक भाषा 19 जनवरी को मनाया जाता है। यह भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है भाई? जवाब होना चाहिए त्रिपुरा की। किसकी? त्रिपुरा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई, महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू की है? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ ने। कहा? किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है महतारी वंदना योजना। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन C4IR कहां स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद। अभी दोस्तों प्रेस वर्ल्ड सूचकांक भी जारी हो गया है, प्रेस का जो अपने अखबार वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर है जो चौथा स्तंभ कहते हैं जिसको, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का स्थान है 159। कौन सा है? 159। यानी कि लुढ़कता कहां आ गया है? 2014 में 140 था, 140 से कहां पर आ गया है? 159वीं रैंक है हमारे पत्रकारिता की विश्व प्रेस सूचकांक में। कितनी है? 159। क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, टपकेगा ये भाई, इसे याद कर लेना। ये क्या हो गया, कहां पर है दोस्तों ये? इसका जवाब आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल हैदराबाद। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहां स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। हाल ही में नौसेना ने INS ये दोस्तों कहां किया गया है बता देना आप? अंग्रेजी वाला है भाई, अंग्रेजी का मामला देखो, पढ़ लो आप, बताओ कहां पे किया गया? चलो जल्दी से जवाब दो, इसका जवाब हो जाए पोर्ट ब्लेयर डार्क यार्ड। क्या? पोर्ट ब्लेयर डार्क यार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि PSU स्टॉक में सबसे ज्यादा
वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों जो पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? कौन सी बन गई है भाई? वो तो वो बन गई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कच्ची खरेग को जीआई टैग मिला है? किसको? कच्ची खरेग को। किसको? कच्ची खरेग को जीआई टैग दिया है। अभी अपने राजस्थान में भी पांच चीजों को जीआई टैग मिला है, कोफ्तागिरी, उदयपुर। याद रखना ये तीन चार चीजें हैं जो बड़ी फेमस है, जैसे उस्ता कला बीकानेर को मिला है, ठीक है ना, और तीन चार और भी मिले हैं अलग अलग चीजें के, वो मैं बता दूंगा। नाथ द्वारा की आपकी पिछवाई है, उनको भी मिला है, मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, बस आप रट लो, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य में कच्ची खरेग जीआई टैग दिया गया है, बताओ आप लोग। सभी का जवाब हो जाएगा गुजरात को। कच्ची खरेग को जीआई टैग मिला है गुजरात की को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है 2024 भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है चौथी। भारत की रैंक कितनी है? चौथी। नवा भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? जवाब हो जाएगा हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? पाकिस्तान की ओर से कोई भी आतंकी वगैरह घटना होती है तो उसको रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन सा? ऑपरेशन सर्वशक्ति। परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव किस दिन आयोजित किया जाता है? परंपरागत जो खेल है जल्लीकट्टू, ये पोंगल उत्सव किस दिन आयोजित किया जाता है? बिल्कुल, तो इसका जवाब होगा आप सभी विद्यार्थियों का तीसरा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बने? वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। निम्नलिखित में से कौन दसवें सिख गुरु थे? कौन थे जो दसवें सिख गुरु थे? तो इसका जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? दसवीं जो है सिख के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। क्योंकि अभी हाल में जयंती वगैरह इनकी गई है तो इसलिए ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो वो बने ग्वाटेमाला के। किसके? बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो वह बने ग्वाटेमाला के। चर्चित पास्टेग किस तकनीकी पर काम करता है? जो पास्टेग है, आप जब भी गाड़ी लेके जाते हो, फोर व्हीलर लेके जाते होंगे, तो फट दर से स्कैन करता है और आप टोल में से आगे निकल जाते हो, तो वो पास्टेग लगा होता है ना, तो वो पास्टेग जो है किस तकनीकी पर काम करता है? आपने तो देखा है कि पास्टेग लगा लिया, हो गया काम, रिचार्ज करवाया, हो गया, परंतु आपको ये नहीं पता कि ये किस तकनीकी पर काम करता है, तो तकनीकी पूछी जा सकती है। तो किस तकनीकी पर? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। किस पे? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। अगला प्रश्न, अभ्यास अयुत्थाया भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? अभ्यास अयुत्थाया किस देश के, मतलब भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के मध्य अभ्यास अयुत्थाया जो है हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, चर्चित पुरी के जगन्नाथ मंदिर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वापस से। तो ये क्वेश्चन था अपना कौन सा, चर्चित पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो आपको बताना है चर्चित जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, चलेगा फटाफट से जवाब दे दीजिएगा मित्रों। जवाब हो जाएगा गंगा राजवंश। क्या होगा? चर्चित पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गंगा राजवंश। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर 2023 अवार्ड जीता है मित्रों? तो इसका जवाब होगा एनिटेना एटना, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, देखो अंग्रेजी अंग्रेजी को छोड़ो, आप आपको याद करने से मतलब है नंबर आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेक्शन,
ठीक है। चलो मैं तो मैं इनको छोड़ भी सकता था, परंतु क्यों क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एग्जाम में मान लो ये आ गया। तो जनवरी 2024 से नीति आयोग ने जारी किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी घटी है? तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी घटी है, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार, उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या घट गई है, गरीबी घट गई है। 75वें एनिमी अवार्ड 2024 निम्न में से किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। 75वें एमिनी अवार्ड 2024 निम्न में से किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आप प्यार प्यार से आंसर देते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दे, द बियर को किसने जीता है बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है? किसने? द बियर ने। किसने? द बियर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है मित्रों? तो यह है ओडिशा से संबंधित। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर 2023 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? किसको चुना गया भाई? बिल्कुल बताइए इसका, दीप्ति शर्मा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है क्वेश्चन ये भी, है ना। तो दिसंबर 2023 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दीप्ति शर्मा को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो जो सड़क दुर्घटना में आपने देखा होगा, कई एक्सीडेंट हो गया, कई किससे हो गया, कई पूरे परिवार के परिवार ही जो है कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो ये इनको 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया, कब तक? बिल्कुल, जो 2030 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया, केवल ये सरकारों की घोषणाएं होती है, लक्ष्य कुछ नहीं होता है वैसे तो। चलिएगा, पुस्तक गांधी ए लाइफ 3 चैंपियनिंग किसके द्वारा लिखी गई? देखो ये पुस्तक है भाई, लिखी गई है किसी न किसी के द्वारा, तो बताओ MJ अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप तो इतना याद रखना, गांधी ए लाइफ, बस आगे का तो देख लेंगे बाद में। गांधी ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? MJ अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? MJ अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, निपा वायरस की पहली वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? CHADOX1 और निपा बी किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो निपा वायरस की ये पहली वैक्सीन है, किसके द्वारा विकसित की जा रही है बात आइए मित्रों, जवाब होगा आप सभी का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट यानी कि गिद्ध रेस्तरा खोला गया है? गिद्ध रेस्तरा वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है बताइए, जवाब होगा झारखंड। कहां पर? झारखंड। अगला प्रश्न दोस्तों, स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2023-24 किसने जीता है? स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2023-24 किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मार्डर, ठीक है, रिडल मार्डर, ठीक है। अरे भाई अंग दो, इनके नाम भी ऐसे वैसे होते हैं, अजीब अजीब, ठीक है। चलो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों के 200 क्वेश्चन होने में आए हैं। 15 जनवरी को भारत थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है बताइए, किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जनरल के एम करियप्पा के सम्मान में। मकर विलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? कौन सा? मकर विलक्कू। तो मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, जैसे अपने यहाँ पर मकर संक्रांति मनाते हैं तो इधर कुछ और मनाते हैं, तो ये किस राज्य का है? तो बिल्कुल जवाब हो जाएगा केरल का है, मकर विलक्कू कहाँ का है? केरल का है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी कौन है? मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष जो है भारतीय जोड़ी कौन है बताइए, इसका जवाब आप सभी का होगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है भाई?
तो इसकी थीम क्या है, जवाब हो जाएगा ये वाली इसकी थीम हो जाएगी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल ही में मशहूर शायर मुन्नवर राणा का निधन हो गया है, इन्हें किस कविता के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो। हाल ही में मशहूर शायर मुन्नवर राणा का निधन हो गया, क्यों निधन भी हो गया है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है भाई 2024 में, कौन सी कविता के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता दो फटाफट, इंपॉर्टेंट है तो बताना आपका फर्ज है। सहदाबा के लिए, किसके लिए, सहदाबा के लिए। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने, किसके, ताइवान चिक चाइना वाइना के, देख लो अब ताइवान के भाई, ताइना के। अब अपने भारत के तो बहुत लोगों को याद नहीं, जो अपने एसआई वगैरह बने हैं ना उनको भारत का नाम नहीं पता, अपन देखो कॉन्स्टेबल बनने जा रहे हैं फिर भी अपन को देखो ताइवान का याद रखना पड़ रहा है, भारत के का तो नाम याद है ही सही अपन को, पर उस एसआई सब इंस्पेक्टरों को पता नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, उनके इंटरव्यू वायरल हुए थे पता है आप लोगों को, तो आपको तो देखो दोस्त ताइवान का याद है, क्या बात है भाई। ताइवान के राष्ट्रपति ये बनने हैं कौन, विलियम लाई। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने, विलियम लाई। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा राज्य, जवाब होगा मध्य प्रदेश MP। अगला प्रश्न दोस्तों, 29वें क्रिटिस चॉइस अवार्ड, 29वें क्रिटिस चॉइस अवार्ड किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया गया, जवाब हो जाएगा आपके लिए ठीक है। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है, भारत का कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है, डार्क स्काई पार्क बन गया है, जवाब होगा आप सभी का पैच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। पूछा जा सकता है कि पैच टाइगर रिजर्व कहां है, महाराष्ट्र में है। ऐसा भी आ सकता है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया वह कौन सा है, पैच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, याद रखना। चलो अगला प्रश्न, न्यूजवीक वेंटेज और होरिजन ग्रुप द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स FPI 2024 भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक क्या है भाई, भारत की रैंक है 35, कितनी 35। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया, सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, किसको, महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न, 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एविडेंस डे मनाया जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित है, यानी कि मानव की तस्करी करते हो उसकी रोकथाम से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, बिल्कुल जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23 है, कौन सा है, मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित है आर्टिकल 23। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है, जवाब हो जाएगा सेंथिल पांडियान को, किसको, सेंथिल पांडियान को। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है, इसका शुभारंभ कर दिया है, शुरू हो चुका है, जवाब हो जाएगा अटल सेतु, कौन सा है, अटल सेतु है, यह आपको याद रखना है। चलो, हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी की है, किस संस्था के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी की गई है, कौन सी संस्था के द्वारा, तो ये जारी की गई है दोस्तों ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और लेबर डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था। और राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो 16 अप्रैल को, कब, 16 अप्रैल को मनाया गया था। अभी भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास MILAN 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास MILAN
मिलान 2024 का आयोजन, मिलान 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जवाब होगा आप सभी का विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है? रामलला दर्शन योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है, जवाब हो जाएगी 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारतीय पासपोर्ट की रैंक कितनी है? 80। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया था? तो 12 जनवरी को भी कुछ दिन पहले दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। ये राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में, किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की सम्मान में दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? निम्नलिखित से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? जवाब हो जाएगा बेगमपेट हवाई अड्डा। कौन सा? बेगमपेट हवाई अड्डे पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, अग्रम भारत की किस संगठन द्वारा बनाई गई है? तो आपको बताना है यूग्राम, यूग्राम एश्वर्ट रिफिल किस भारत के किस संगठन द्वारा बनाई गई है? तो जवाब बताओ फटाफट इसका, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। किसके द्वारा? भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया है, राशिद खान किस घराने के हैं? तो राशिद खान का जो है अभी हाल में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो घराने के थे वो कौन से घराने के थे? राशिद खान इनका अभी हाल में निधन हो गया है, तो ये थे रामपुर सवान घराना, रामपुर सहसवान घराना, इम्पोर्टेंट हो जाता है, रामपुर सहसवान घराना के थे राशिद खान। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना जताया है? कितना? तो यह हो जाएगा 6.4%। निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है भाई? जवाब हो जाएगा चीन नहीं है, जबकि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रेबियल अतल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ग्रेबियल अतल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं भाई? सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के। चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है? अब दोस्तों चर्चा में रहा, चर्चा वाले क्वेश्चन तो आते हैं, चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्ण राज सागर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है कृष्ण राज सागर बांध। हाल ही में AI प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताओ फटाफट इसका जवाब दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। अब भारत में किया जाएगा तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? होता है ना, एग्जाम की दृष्टि से। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? नासिक में। कहां पर? नासिक में। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किया है? तो 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किया है कौन से विभाग के द्वारा? तो यह किया है दोस्तों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा। किसके द्वारा? DPIIT के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दोस्तों स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किया है 10 से 16 जनवरी को। अगला प्रश्न आपके लिए, 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग
नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 9 जनवरी 2024 को दिया गया है दोस्तों, लैंड एडवेंचर के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साप्ताहिक पुरस्कार, साहसिक पुरस्कार सॉरी 2022 का अब मिला है, कब? 9 जनवरी को मिला है। तो किसे दिया गया है ये? तो ये दिया गया है सविता कंसवाल को। किसको? सविता कंसवाल को। 2022 का पुरस्कार था, 2024 में मिला है। इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? होता है ना, बिल्कुल। सविता कंसवाल को। किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रिन 1 लॉन्च किया है? किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रिन 1 लॉन्च किया है? जवाब हो जाएगा अमेरिका। किसने? यूएसए ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा मित्रों, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध वार्षिक मेला कौन सा? गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकनबावर का निधन हो गया है? हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकनबावर का जो है निधन हो गया है? तो कौन है भाई ये? तो ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल ही में 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? दोस्तों प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है वेस्ट बंगाल की, बांग्लादेश की जो है, उनको कौन से नंबर के बारे में चुना गया, कितने नंबर का काल है उनका, दोबारा से फिर चुन लिया गया है, तो फिर से बन गए प्रधानमंत्री 5वें कार्यकाल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है मित्रों? जवाब हो जाएगा गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की थीम क्या है? वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर इसकी थीम है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? 10 जनवरी को दोस्तों हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, पहली बार औपचारिक रूप से इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2006 में। कब? 2006 में। अगला प्रश्न, 2024 का पहला चक्रवात अलवारो किस महासागर में आया? दोस्तों 2024 में पहला चक्रवात है जो किस नाम से है? अलवारो नाम से आया था, और वह किस महासागर में आया था? अलवारो। तो ये आया था हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक एंगर मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो बताना है आपको, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन भी अच्छी है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। अजय बिसरिया के द्वारा। किसके द्वारा? अजय बिसरिया के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर यानी कि ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर यानी कि ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? जवाब हो जाएगा ओपेन हाइमर। कौन सा? ओपेन हाइमर के लिए। निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि पीबीडी मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों भारत पार्क खोला जाएगा। हाल ही में भारत की सुचिता सतीश ने किस देश में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में भारत की सुनीता सतीश ने कौन से खेल में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों सुचिता सतीश ने अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया है, कौन से खेल में? जवाब हो जाएगा संगीत। क्या? किस क्षेत्र में दोस्तों? तो किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न,
पहली अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पहली अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया? हाल ही में किस कंपनी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया? जवाब हो जाएगा आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि ONGC। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? तो किसने? किर्गिस्तान ने दोस्तों तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना लिया है, किर्गिस्तान ने तेंदुआ को। अगला प्रश्न है, सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है मित्रों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? गुजरात में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जवाब होगा युगांडा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? युगांडा। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की यानी कि NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो 7.3% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, चंदूबी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? चंदूबी त्यौहार किस राज्य का है भाई? चंदूबी त्यौहार है असम का। किसका है? चंदूबी त्यौहार किस राज्य का है? असम का है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि AIRIA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिंह को। किसे नियुक्त किया गया? शशि सिंह को। चर्चित रिजुपेव तकनीकी का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? चर्चित जो रिजुपेव तकनीकी है इसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट WESP 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, यानी कि CEO एंड MD किसे नियुक्त किया गया? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का CEO एंड MD किसे नियुक्त किया गया बताओ? तो संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है भाई। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ED नियुक्त किया गया है? तो जवाब हो जाएगा विकासशील को। किसको? विकासशील को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अभी वर्ल्ड कप T20 टीम बन गई है अपने इंडिया की, अब दोस्तों ये खेलने जाएगी। ICC T20 वर्ल्ड कप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस देश में आयोजित किया जाएगा? जवाब होगा वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा ICC T20 वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट
में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है? तो चौथा देश बन गया है भाई। अगला प्रश्न आपके लिए, 50 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा। अभी देखो 40 मिनट में इतने हो गए, तो आशा करता हूं 20 मिनट में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया? चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट से मित्रों, आपके लिए जवाब हो जाएगा जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को। अगला प्रश्न आपके लिए, पुलिस महानिदेशक और महानिदेशकों की अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों पुलिस महानिदेशक DGIG जो मीटिंग हुई थी अभी सबमिट हुआ था, वो कहां पर किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में किया गया था दोस्तों, 2 या 3 दिन तक चला था ये, जयपुर में किया था। हाल ही में किस राज्य में आदि कैरियर केकिर अदरक को GI टैग प्रदान किया गया? हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर अदरक को GI टैग मिल गया? आदि केकिर अदरक को GI टैग मिला है अभी, तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान कितने समझौते हुए? कितने समझौते हुए? 2 समझौते हो गए। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो वो दी है 4,797 करोड़ को, 4,797 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत इतनी राशि को मंजूरी दी है, 4,797 रुपये को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत लिखा कदम शिलालेख मिला है? हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का दोस्तों कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम शिलालेख मिला है? किस राज्य में मिला है? मिला है गोवा में। कहाँ? गोवा। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? जवाब हो जाएगा दादर और नगर हवेली दमन और दीव में, दादर नगर हवेली दमन और दीव में। अगला प्रश्न है आपका, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है? रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है? महिला है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। महाराष्ट्र की। निम्नलिखित से किसे कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया दोस्तों? तो यह दिया गया सिरसेंदु मुखोपाध्याय को, सिरसेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया। अगला प्रश्न, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य है पंजाब। इसरो के उपग्रह GS-80 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? इसरो के दोस्तों एक उपग्रह है कौन सा? GSAT-20 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा फाल्कॉन 9 के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? जवाब होगा मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि IPI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो वह है ओला इलेक्ट्रिक। कौन सी? ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में चांड देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? किसका? हाल ही में चांड देश का नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन है चांड देश के प्रधानमंत्री? तो सुखशेष मिश्रा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मित्रों, ये रहा अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया के स्मार्ट की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को। क्या
के स्मार्ट की फुल फॉर्म है केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, चर्चा में रही हूती गुट यानी कि हूती विद्रोही किस सागर से संबंधित है? चर्चा में रही अभी हाल ही में हूती गुट, तो हूती विद्रोही किस सागर से संबंधित है? किससे संबंधित है? लाल सागर से। चर्चित चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में? चर्चित चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण, चर्चित रहा है भी चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में? तो चिरचा केरल में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चर्चित चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है, तो ये केरल में ही है। हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नौसेना यानी कि नेवी के उप प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं? जवाब होगा दिनेश के त्रिपाठी को। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है आपके लिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 6.7%। दोस्तों 30 क्वेश्चन हो रहे, थोड़ा सा वेट कर लो, धैर्य बनाए रखो। दोस्तों आपने 600 क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको वादा करता हूं कि आपके करंट अफेयर्स में से कोई नंबर नहीं कटेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य स्थान पर है? गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामलों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य है? तेलंगाना पहले स्थान पर है साइबर क्राइम के मामलों में। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, याद रखना। अगला प्रश्न, द बादरी मस्जिद राम मंदिर दिलामा नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है भैया? माधव गोडबोले के द्वारा। किसके द्वारा? माधव गोडबोले के द्वारा लिखी गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। साल्टन सागर कहाँ स्थित है? हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। साल्टन सागर कहाँ पे स्थित है? तो साल्टन सागर कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है साल्टन सागर? उत्तरी अमेरिका में है भाई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने संन्यास लिया? डेविड वार्नर, अभी देखते होंगे ना आप आईपीएल खेलते खेलते है ना, डेविड वार्नर उन्होंने संन्यास ले लिया है। दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने संन्यास ले लिया है, वह किस देश के हैं? जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के भाई। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रोफेसर बीआर कंबोज को। प्रोफेसर बीआर कंबोज को दोस्तों स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की? हाल ही में किस देश की महारानी है मार्गरेट, उन्होंने मार्गरेट सेकंड उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो वह है डेनमार्क की। चर्चा में रहा केमेलियन ड्रोजन क्या है? चर्चा में रहा केमेलियन ड्रोजन क्या है? केमेलियन ड्रोजन क्या है? तो यह मेलवेयर। क्या है? मेलवेयर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को, किसको? हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा मिला है। तो किस, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल दोस्तों उत्तर प्रदेश में खोल दिया गया है, याद रखना। चर्चित सागर परिक्रमा कार्यक्रम का संबंध, सही कथन चुनना है आपको। चर्चित सागर परिक्रमा कार्यक्रम के संबंध में सही कथन आप लोगों को चुनना है। इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में मांडवी गोवा से की गई, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2024 को इस कार्यक्रम को 10वां चरण चेन्नई से शुरू हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, फेलिक्स
तसेसिकेदी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने? फेलिक्स तसेसिकेदी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? भाई जवाब होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। स्कॉटिश जूनियर वुमेन ओपन स्क्वास 2023 का भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो अनहत सिंह ने, किसने? अनहत सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आजकल किसी भी चीज़ का आप रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो ये गुजरात ने बनाया है। हाल ही में आर के त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो किसको? आर के त्यागी को महारत्न कंपनी में कोई उसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं, कौन सी कंपनी के? तो ये किए गए हैं आपके पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था? पद्म पुरस्कार से सम्मानित है कौन? वेद प्रकाश नंदा जी, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है, उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। ये पद्म भूषण सम्मान पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था भाई, 2018 में दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किसे हाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पिंकी को। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया मित्रों? 66वां स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने। हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रजा पालन अभियान शुरू किया गया है? कौन सा प्रजा पालन अभियान शुरू किया गया? तेलंगाना के द्वारा प्रजा पालन अभियान की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में। किसने पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? किसने पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? तो वो जीता है विराट कोहली ने। किसने पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है भाई। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जाएगा? डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन भारत और किस देश के बीच में होता है? डेजर्ट साइक्लोन, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? विश्व तिरंदाजी पुरस्कार जीता है शीतल देवी ने। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। किसको? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? यह सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा प्यारा भारत है, हिंदुस्तान है हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा? कौन सा देश है दोस्तों जो ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा? अर्जेंटीना, मिस्र है, इथोपिया, ईरान, उरान, ये तो है, पर दोस्तों ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा कौन सा? अर्जेंटीना। आरबीआई ने हाल ही में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की, इनमें से कौन सा बैंक सूची में नहीं है? तो इसका जवाब दीजिएगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, एसबीआई भी, एचडीएफसी बैंक भी, आईसीआईसी बैंक भी है। होन्सू द्वीप कहाँ स्थित है? होन्सू द्वीप कौन सा द्वीप भाई? होन्सू द्वीप, तो होन्सू द्वीप है दोस्तों जापान में है, क्यों? चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। होन्सू द्वीप कहाँ है? जापान में है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत में नेशनल ट्रांजिस्ट पास सिस्टम को हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके निर्बाध परिवहन से संबंधित है? ये तो ये है वन उपज से संबंधित। जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नीतीश कुमार किस नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं? ये 90 नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। किसके? बिहार के लाल बन गए हैं 90 नंबर के। दोस्तों ये रोजाना ही दल बदल करते रहते हैं, उल्टो पलटो आदमी है,
कभी भी इधर से उधर हो जाते हैं, फिर नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 8वें 9वें सब नंबर के यही हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या है, आजकल इन्होंने ट्रेंड बना लिया कि जिधर भी चलो मन करता है उधर चलो और मुख्यमंत्री का नंबर बदलते जाओ। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तो हमारे नाम रहेगा, ऐसा नीतीश जी का क्या है परियोजना है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आप सभी लोगों के लिए और बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए। 300 क्वेश्चन और बचे हैं, वो दो पार्ट में और करवा दूंगा। दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले भी बना दी है, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको वैसे भी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा जो इतना मेहनत करा जा रहा है ये आपको पसंद आया होगा और हम आशा करते हैं आप लोगों को और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम करवाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपको और क्या चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता देना।